तो जब रोमर इस WWE कंपनी के अंदर रिटर्न करेंगे तो वो एज अ टॉप स्मैकडाउन लाइव सुपरस्टार नहीं होंगे, बल्कि वो आपको मिड कार्ड के अंदर दिखाई देने वाले हैं। WWE उन्हें मेन टाइटल पिक्चर के अंदर कभी पुश नहीं देने वाले, क्योंकि विंस मैकमैन को मिल चुका है अपना स्मैकडाउन लाइव का नेक्स्ट टॉप सुपरस्टार, जो कि उनके अकॉर्डिंग रोमर इसको करने वाला है रिप्लेस। पहले आपको बता दूं, वो सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं है और ना ही है द फिएंड। तो गाइस इस वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस कौन सा है वो सुपरस्टार एंड विंस मैकमैन का क्यों ये मानना है कि वो रोमर इसको जरूर रिप्लेस करेगा WWE के अंदर। साथ ही साथ सैमी जेन एंड WWE कंपनी के बीच चल रही है तगड़ी लड़ाई, जिसके कारण सैमी जेन काफी जल्दी कंपनी को लीव करने वाले हैं। मनी इन द बैंक के विनर के चेंज होने के बारे में बात करेंगे, जो अपडेट डेव मेल्जर की तरफ से आई है सामने, एंड काफी सारी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। एंड वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे इस बार द डोमिनेटर बॉबी लैशली के बारे में। एंड WWE ने इस बात को टीज किया कि बॉबी लैशली को काफी जल्दी एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको यह बात बता दूं, WWE ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर हम देख सकते हैं जॉन सीना एंड बॉबी लैशली एक साथ रेसल करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं, ये है अमेरिकन बैश इन 2007 की वीडियो। आपको बता दूं, यहां पर जॉन सीना एंड बॉबी लैशली एक टाइटल मैच के अंदर रेसल करते हैं, जहां पर बॉबी लैशली काफी बुरी तरीके से जॉन सीना को मैन हैंडल करते हुए नजर आते हैं। और आपको बता दूं, WWE यहां पर कैप्शन के अंदर क्या लिखती है कि बॉबी लैशली को उनके WWE चैंपियनशिप की आखिरी अपॉर्चुनिटी मिली थी जॉन सीना के खिलाफ, और वो मिली थी 2007 के अंदर। और WWE यहां पर स्पेशली MVP को भी टैग करती है। अब काफी सारे लोग सोचेंगे कि भाई इसका कोई सेंस तो बना नहीं, लेकिन आप खुद देखो WWE इस बात को टीज करे कि भाई बॉबी लैशली को कोई भी टाइटल अपॉर्चुनिटी इतने लंबे टाइम से नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं बॉबी लैशली अब एक टाइटल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं। वरना आप ही सोचो, अचानक से WWE को क्या भूत सवार हो जाता कि वो बॉबी लैशली की डोमिनेंस वाली वीडियो जो कि जॉन सीना के अगेंस्ट थी स्पेशली उसको पोस्ट करती है और MVP को भी टैग करती है। तो कुल मिला के यहाँ पर WWE किसी ना किसी तरीके से अब बॉबी लैशली को मेन टाइटल पिक्चर के अंदर जरूर एंटर करवाएगी। इसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि जुड़ी है वुमेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच के बारे में, जिसका जो विनर था वो आखिरी टाइम पर चेंज कर दिया गया। तो आपको ये बात बता दूं, डेव मेल्जर ने रिसेंटली इस बात को रिपोर्ट किया कि एक्चुअली में जो शायना बेसलर हैं उन्होंने जीतना था वुमेंस का मनी इन द बैंक लैडर मैच, और जो बेकी लिंच थी उन्होंने फेस करना था नाया जैक्स का रॉकी वुमेंस चैंपियनशिप के लिए, और वहां पर नाया जैक्स हमें हारती हुई भी नजर आती। लेकिन आपको बता दूं, रिसेंटली ऐसी अपडेट्स है डेव मेल्जर की तरफ से सामने कि जैसे WWE को ये बात पता लगी कि जो बेकी लिंच है वो प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने पहली बात नाया जैक्स वर्सेस बेकी लिंच के बीच जो मैच था रॉकी वुमेंस टाइटल का उसके प्लान को कर दिया कैंसिल, और वहीं जो मनी इन द बैंक का लैडर मैच का विनर था उसको चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि WWE ये चाहती थी कि अगर WWE शायना बेसलर के पास टाइटल लेके आए तो कहीं ना कहीं वो तभी आएगी जब वो हराएंगी बेकी लिंच को, क्योंकि उस टाइम बेकी लिंच रॉ वुमेंस डिवीजन की टॉप सुपरस्टार थी। और वहीं बात कर लें आस्का के बारे में, तो आस्का ऑलरेडी काफी टॉप सुपरस्टार है, उनका जो कह सकते हो मनी इन द बैंक ब्रीफ के जीतना था, उनके पास अगर रॉ की वुमेंस चैंपियनशिप आ गई है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इससे WWE को रेटिंग्स ड्रॉ करने के अंदर हेल्प मिल सकती है, और शायना बेसलर को तुरंत रॉ वुमेंस डिवीजन का टॉप सुपरस्टार बनाना मेरे अकॉर्डिंग WWE का सही डिसीजन नहीं रहता। इसी के चलते WWE को काफी सारे प्लान्स के अंदर करने पड़ गए चेंजेस। खैर अगली अपडेट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जो कि इस बार जुड़ी है फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी जेन के बारे में, जो कि काफी जल्दी आपको फॉर्मर WWE सुपरस्टार भी ऐसे कह सकता हूं, मैं प्रोनाउंसिएट उन्हें करता हुआ नजर आ सकता हूं, क्योंकि आपको बता दूं रिसेंटली काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। एंड उनका मानना यह है कि जब से सैमी जेन से उन्होंने यानी कि WWE ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को स्ट्रिप्ड आउट किया, सैमी जेन काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि सैमी जेन का मानना यह था कि भाई अगर मेरे अलावा अगर और कोई सुपरस्टार होता तो उसके पास आप लोग टाइटल भी रखते एंड उसे अपनी टाइटल डिफेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सैमी जेन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि भाई आप तो एक तो बैक स्टेज वाली टीम को परेशान करते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस के अंदर अपने प्रीवियस बताया था कि जो सैमी जेन है बैक स्टेज के अंदर एक सिरदर्द बनकर रह गया, और वो बैक स्टेज के सारे क्रिएटिव मेंबर्स एंड सारे जो राइटर्स वगैरह उनको काफी ज्यादा तंग करते हैं स्मैकडाउन लाइक एपिसोड के दौरान। इसलिए पहले WWE ने उन्हें टीवी टेपिंग्स पर आने से मना कर दिया कि भाई अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो तुम बैक स्टेज पर भी नहीं आओगे। एंड उसके बाद जो विंस मैकमैन है उन्होंने सैमी जेन से सीधा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ले ली, क्योंकि सैमी जेन का यहाँ पर कहना यह था कि भाई जब तक मुझे सारी चीजें सही नहीं लगती तब तक मैं बिल्कुल भी टाइटल को अपने डिफेंड नहीं करने वाला हूं। तो आपको बता दूं इसके बाद कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जो लड़ाई है WWE एंड सैमी जेन के पीछे एक तरीके आप कह सकते हो वो काफी ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एंड ये रीजन काफी बड़ा हो सकता है जिसके कारण सैमी जेन आपको काफी जल्दी WWE से हमें लीव लेते हुए नजर आए एंड कंपनी को वो छोड़कर AEW या फिर इंपैक्ट रेसलिंग जैसे कोई और प्रमोशन के अंदर जाते हुए नजर आए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सैमी जेन एक्चुअली में चाहते क्या है कि भाई आपको लड़ना भी नहीं है और कुछ नहीं करना है, बस आपको पैसों से मतलब है, बाकी देखते भाई आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है सैमी जेन एंड WWE के साथ। लेकिन अभी फिलहाल का यही स्टेटस है कि सैमी जेन हो सकता है प्रोबेबली आने वाले कुछ महीनों के अंदर कंपनी को हमें लीव करते हुए नजर आए। लेकिन खैर हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि जुड़ी है इस बार द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में, एंड जो रोमन रेंस है उनका जो WWE या फिर स्मैकडाउन लाइक के अंदर रिप्लेस
रिप्लेसमेंट है अब वो मिल चुकी है विंस मैकमैन को। तो आपको बता दूं ये सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं है, ये सुपरस्टार फीड नहीं है, बल्कि ये रॉ के सुपरस्टार स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर भी नहीं है, बल्कि ये सुपरस्टार है करंट मिस्टर मनी इन द बैंक 2020 यानी कि ओटिस। अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि भाई विंस मैकमैन ने ओटिस के अंदर ऐसा क्या दिखाया, तो आपको बता दूं काफ़ी सारी स्पेकुलेशन आ रही निकल कर सामने कि WWE ने जानबूझ के AJ स्टार के ऊपर ओटिस को इसलिए दिखाया ताकि WWE ओटिस को एज अ मॉन्स्टर पुश दे सके। मॉन्स्टर पुश मतलब जैसे पहले बीच में रूमर इनको मिला था, उन्होंने रेसलमेनिया 31, 32, 33 कुछ इस तरीके से करके ऑलमोस्ट सारे रेसलमेनिया को हेडलाइन किए, अंडरटेकर को भी उन्होंने हराया, तो WWE यहां से रूमर इनको एक मॉन्स्टर पुश दे रही थी। लेकिन अब बारी आ गई है ओटिस की, और आपको बता दूं ऐसी अपडेट्स आ रहे हैं कि विंस मैकमैन ये चाहते हैं ओटिस आने वाले टाइम में कंपनी के अंदर एज ए सिंगल सुपरस्टार हमें दिखाई दे, यानी कि जो टकर के साथ उनकी टैग टीम थी वो टूटती हुई नजर आए विंस मैकमैन के हिसाब से, एंड उसके बाद जो ओटिस है उन्हें सिंगल पुश काफी तगड़ा हमें मिलता हुआ नजर आने वाला है कंपनी के अंदर, एंड वो पुश छोटा मोटा पुश नहीं होने वाला है, बल्कि WWE अगर AJ स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार के खिलाफ भी ओटिस को पुट ओवर कर सकती तो मैं कह सकता हूँ ब्रॉन स्ट्रोमन का भी नंबर काफी जल्दी आ सकता है, और हो सकता है जब ओटिस कैश इन करें मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर तो ओटिस बन सकते हैं आप सभी के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। वेल सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड है, विंस मैकमैन के हिसाब से ओटिस के पास करिश्मा तो वो रेटिंग्स काफी अच्छी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी जल्दी ओटिस को एक काफी बड़ा सुपरस्टार बनाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। वैसे WWE ने जानबूझ के डिसीजन इसलिए बदला आखिरी टाइम पे कि भाई AJ स्टार की रेपुटेशन भी ना खराब हो, इसलिए उनके हाथ से अचानक से मनी इन द बैंक ब्रीफ के छूट जाना चाहिए, एंड ओटिस की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर WWE ने ये डिसीजन लिया क्यों ना ओटिस को ही मिस्टर मनी इन द बैंक 2020 बना दिया जाए, और हो सकता है रूमर रेंज को रिप्लेस काफी जल्दी आप सभी को ओटिस करते हुए नजर आए। और ऐसी भी अपडेट्स आ रही हैं कि जब से जो सिचुएशन है वो खराब होती जा रही है विंस मैकमैन और रोमन रेंस के बीच, तो हो सकता है काफी मुश्किल से आपको जो रोमन रेंस है वो WWE के मेन टाइटल पिक्चर के अंदर एंटर होते हुए नजर आए, वरना वो मिड कार्ड के अंदर इधर उधर घूमते रहेंगे जैसे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के आसपास घूमते रह जाएंगे, एंड वहीं ओटिस को मेन टाइटल पिक्चर के अंदर सीधा काफी जल्दी आप सभी को एंट्री मिलती हुई नजर आने वाली। तो आपके हिसाब से क्या विंस मैकमैन का ये डिसीजन सही है कि अगर वो ओटिस को रिप्लेस करना चाहती है द बिग डॉग रोमन रेंस से, नीचे मुझे कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मेरे हिसाब से WWE का ये काफी ज्यादा गलत सोचना है अगर वो ओटिस एंड रोमन रेंस को कंपेयर करेगी, क्योंकि रोमन रेंस एंड ओटिस की पॉपुलैरिटी मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरीके से रेशियो में है कि जो रोमन रेंस की पॉपुलैरिटी है वो 95% है एंड वहीं ओटिस की पॉपुलैरिटी 40% है। खैर गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो यार ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, अगर आप चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलते रहे, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। Till then, bye bye, take care.